सभी को नमस्कार। मेरा नाम रमेश। हमारे टीचर जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है और उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अभी आज हम लोग सिखाने जा रहा है कि संपत्ति रजिस्टर, हमारे संकुल स्तरीय संगठन में संपत्ति रजिस्टर को किस तरह से लिखना चाहिए और उसका विवरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। संकुल संगठन में उपयोग करने के लिए खरीदी किए गए वस्तुओं का विवरण लिखने की पुस्तक को संपत्ति रजिस्टर कहता है। मतलब हमारे संकुल संगठन में उपयोग के लिए जो, मतलब हम लोग यूज करने के लिए जो सामान खरीद करता है और उस सामान की विवरण लिखने वाली पुस्तक को हम संपत्ति रजिस्टर कहते हैं। और संपत्ति रजिस्टर, सबसे पहला हम संपत्ति क्या है आपको जानना चाहिए। हमारे संकुल संगठन के अंदर संपत्ति क्या है आपको जानना है। अभी हमारे संकुल संगठन में रहने वाले हर एक चीज को हम संपत्ति नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे संकुल संगठन में बहुत सारे सामान है। मतलब सारे सामान को संपत्ति नहीं कह सकता है। रजिस्टर्स है, पेन है, पेंसिल है, फाइल्स है, इस तरह की जो चीजों को उनको स्टेशनरी कहना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे जो संकुल संगठन में लगातार, मतलब कई सालों तक उपयोग करने वाली सामान को संपत्ति कहना है। उदाहरण के लिए आपकी अलमारी हो या कुर्सी हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो या दरी हो या टेबल हो, इस तरह की चीजों को हमको संपत्ति कहना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति है, लगातार कई सालों तक इसकी उपयोग हम कर सकता है। इसलिए इस विषय को हम संपत्ति कहना बहुत जरूरी है। ये संपत्ति रजिस्टर लिखने से क्या लाभ है हम एक बार देखेंगे। संकुल संगठन में कितने प्रकार की संपत्ति है और उसकी जानकारी, मतलब ये संपत्ति किसकी पास है, ये जानकार आपको पता चलता है। और दूसरा है कि संपत्ति रजिस्टर लिखने से यह फायदा है कि इस संपत्ति का कीमत, मतलब इसकी कीमत कितना है, हम कितने से खरीद किया है, अभी फिलहाल इनकी कीमत कितना है, ये भी जानकारी आप लोगों को मिलता है। और इसमें लिखने से किस तरह से लिखना चाहिए, पुस्तक में किस तरह से आपको लिखना है, लिखने के तरीके की बात करेंगे हम थोड़ा सा नीचे जाके। देखिए यहाँ पे हम लोग जो आपकी संकुल संगठन में संपत्ति है और संपत्ति की जानकारी सबसे पहले पेज में लिखना चाहिए। एक विशेष सूची की विषय सूची बनाकर विषय सूची में आपको लिखना चाहिए कि सबसे पहले क्रम संख्या और संपत्ति का नाम और इस संपत्ति का विवरण कौन सी पेज में है और इस विवरण को वहां पर आपको लिखना चाहिए। और इस विवरण को किस तरह से लिखना है, संपत्ति का विवरण को किस तरह से लिखना है, एक बार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पेज में हम अलमारी का विवरण लिखा है। ये अलमारी का विवरण लिखना है तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है और कॉलम के बाद हम बात करेंगे सबसे पहले। और खरीदी किए गए दिनांक, मतलब जिस दुकान से खरीद किया था, कौन सा तारीख आपने खरीद किया था, उसका दिनांक और बिल के ऊपर जो दिनांक रहेंगे वो दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा है वो दुकान का नाम लिखना है, किस संस्था से, किस दुकान से आपने खरीद किया है और उस संस्था का नाम लिखना है। और जो दुकानदार आपको बिल देगा और बिल नंबर, बिल क्रमांक में लिखना है। और वस्तुओं का संख्या, मतलब आप कितने वस्तु खरीद किया है और वो वस्तुओं की संख्या लिखना है। एक वस्तु का कीमत कितना है, दाम कितना है, वो दाम यहाँ पर लिखना चाहिए। और कुल मूल्य कितना है, कुल मतलब एक वस्तु करेंगे तो सेम आ जाएंगे या दो वस्तु करेंगे तो, और दो वस्तु इंटू एक वस्तु का दाम इज इक्वल टू आपके कुल मूल्य आ जाएंगे। और इसके बाद में हमारे जो फिलहाल आपके पास कितने अभी संपत्ति है और उसकी घसारा, मतलब हर साल इसकी आपने कितने परसेंटेज इनको कम कर रहा है, कितने परसेंट इसका निकालना है और उसकी घसारा में लिखना है। और प्रस्तुत मूल्य, इसकी अभी फिलहाल इस साल में कितने मूल्य है और मूल्य में लिखना है। और ये जो संपत्ति है किसका पास है, ऑफिस में है तो कार्यालय में करके लिखो, और जिसी अन्य व्यक्ति के पास, अन्य संस्था के पास है तो और उस संस्था का नाम और उसे व्यक्ति है तो व्यक्ति का नाम लिखना है। रिमार्क में आपकी जो भी समस्या है रिमार्क में लिखना है। अब उदाहरण के लिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी हम लोग एक उदाहरण के लिए देखेंगे। सबसे पहले हमने अलमारी दुकान से खरीद किया था और वो जब खरीद किया था तब का दिनांक लिखेंगे 14/4
2020 में आपने खरीद किया था और उस दुकान ने लक्ष्मी लक्ष्मी फर्नीचर दुकान से आपने खरीद किया था, और लक्ष्मी फर्नीचर दुकान करके यहाँ पर लिखो दुकान का नाम। लक्ष्मी फर्नीचर दुकान है, दुकान का नाम। उन्होंने जब बिल दिया था अलमारी खरीद किए थे तब उन्होंने 39 नंबर का बिल दिया था, और एक वस्तु का हमने दो अलमारी खरीद किए थे, दो लिख दिया, और खरीद किए गए वस्तु का दाम, एक अलमारी का कीमत है 8,000 रुपये, और कुल मूल्य 16,000 रुपये, और कुल वस्तुओं का संख्या, मतलब अभी हमारे पास कुल मिला के दो अलमारी है, और हमने पहले साल में इसकी घसारा नहीं करना है, डैश कर दिया, अभी प्रस्तुत तो मूल्य 16,000। और किसका पास है? सीएलएफ की कार्यालय में है। किनका पास है? सीएलएफ की कार्यालय, सी एल एफ की एल एफ कार्यालय में है। अभी रिमार्क में हमको कुछ नहीं लिखना है, जब जिस दिन हमने जब खरीद करेंगे और उसी दिन इस विवरण को आपको पूरा करना चाहिए। अभी हर एक साल इसकी कीमत आपको माइनस करना है। किस तरह से माइनस करना है, किस तरह से इसका माइनस करना है, एक बार हम लोग देखेंगे। अभी हम मान के चलो हमारे जो दो अलमारी आपने 8,000 लगाकर आपने खरीद किए, तो इसकी कीमत किस तरह से आपको माइनस करना है। सबसे पहले आप दो अलमारी खरीद करते वक्त इसी बैठक में, हमारे संकुल संगठन की इसी बैठक में आप लोगों को तय करना चाहिए कि हमारे संकुल संगठन में दो अलमारी खरीद कर रहे हैं, और इस अलमारी हमारे लिए कितने सालों तक ये हमको सेवा देगा, इसका एक लाइफ टाइम को आपको तय करना बहुत जरूरी है। मतलब आप हमारे संकुल संगठन में दो अलमारी खरीद करेंगे, इसका उपयोग हम लोग कम से कम 10 साल तक हम इसका उपयोग करेंगे, करके आप लोग एक इसका लाइफ टाइम को तय करके हर एक साल का 10% इसका माइनस करना चाहिए। 10 साल मतलब हर एक साल में 10% आपको माइनस करना है, मतलब एक 8,000 की आपने अलमारी खरीद की है तो हर साल इसकी कीमत 800 रुपये, एक अलमारी का कीमत 800 रुपये, इसको माइनस करके और उस साल का प्रस्तुत मूल्य में लिखना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे अभी हम ऑडिट कब करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 31/3/2021 में आप लोगों ने ऑडिट कर रहे हैं, या डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है कि कुल वस्तुओं की संख्या में दो लिखना है, और इसके बाद में घसारा, मतलब घसारा मतलब इसकी कितने परसेंट आप माइनस कर रहे हैं, कितने परसेंट इसका अलमारी का कीमत माइनस हो गई, उसको यहाँ पर आपको घसारे में लिखना चाहिए। तो घसारे में आपको कितने लिखना है, एक अलमारी को 10% माइनस करना है, तो एक अलमारी का 800 रुपये की कीमत माइनस करना है। जब 800 रुपये, दो अलमारी की 1600 रुपये, पूरा 1600 रुपये माइनस करना है। 1600 माइनस करने के बाद कितना आएगा, 16,000 में 1600 को माइनस करो, 1600 माइनस करने के बाद उनके पास पैसे रह जाएंगे, सोलह 16,000 माइनस 1600, शून्य शून्य 400, चौदह हजार चार सौ
₹400 अभी फिलहाल इस साल का कीमत आएगा। और उसको ये किन के पास है, सीएलएफ की कार्यालय में है, तो सीएलएफ की कार्यालय का नाम लिखो। आप फिर दूसरे साल ऑडिट करते वक्त फिर एक हम 10% कम करना चाहिए, और 2022 में और दो अलमारी है, और दो अलमारी की कीमत फिर ₹1600 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 12,800 रुपए। और ये जो इनके पास है सीएलएफ की कार्यालय में, तो सीएलएफ की कार्यालय के नाम लिखना चाहिए। मतलब हर साल 10 साल तक आपको अलमारी का जब ऑडिट करते वक्त इसको 10% कम करते और जो जो बचा हुआ प्रस्तुत मूल्य को हमारे ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना चाहिए। कभी भी जो भी अलमारी खरीद कर रहे इस अलमारी का उपयोग करते रहेंगे तब तक आपको इसकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना बहुत जरूरी है। मान के चलो बीच में ये 10 साल के पहले जब अपना अलमारी खराब हो जाएंगे, आपको 10 साल के पहले भी अरे घसारे में पूरा मूल्य को माइनस करके और अपनी जो प्रस्तुत मूल्य में 0 दिखाकर अपनी संपत्ति में से इस अलमारी को माइनस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस संपत्ति जब आप लोग ऐसी संपत्ति में दिखाते जाएंगे 16,000 हर साल ऑडिट रिपोर्ट में, मगर अभी एकदम आपका लास्ट साल में 16,000 माइनस करने से आपकी संकुल संगठन एकदम लास्ट में चले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हर एक साल 1600 रुपए माइनस करते जाएंगे तो लास्ट साल तक भी 1600 रुपए माइनस करेंगे तो वो एक ही साल में आपकी लॉस में दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इसके उपयोग कर रहे तो और उस उपयोग के आधार से उसकी कीमत को जांच करके अपनी सीएलएफ की ईसी से निर्णय लेकर इसकी घसारा करना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप लोगों को संपत्ति रजिस्टर लिखना चाहिए। हम लोग और एक उदाहरण की बात करेंगे, दूसरा नंबर पेज में हम कुर्सी की बात कर रहे हैं। कुर्सी भी हमने सेम दुकान से सेम डेट को खरीद किया था, सेम डेट 14/4/2020 को 39 की वो रसीद क्रमांक में भी हमने ये खरीद किया था कुर्सी को। मतलब जिस लक्ष्मी फर्नीचर दुकान था और उसी दुकान को उसी डेट को हमने कुर्सी भी खरीद किए थे। जब खरीद किया था वही बिल में ही लक्ष्मी फर्नीचर दुकान वाला 39 नंबर की बिल में ही कुर्सी का डिटेल्स भी लिखा था। हमने एक 20 कुर्सी को हमने यहाँ पर खरीद किए थे और ये कुर्सी का कीमत ₹500। और कुल कीमत हो जाएंगे 10,000। और हमारे पास 20 कुर्सी है फिलहाल और इसकी घसारा पहले साल में कुछ नहीं और अभी इनकी कीमत हो गई ₹10,000। ये किन के पास है, सीएलएफ की कार्यालय में है, सीएलएफ की कार्यालय में है। यहाँ पे हमने किसके पास भी लिख दिया। और इसके बाद हमारे फिर 31/3/2021 को लक्ष्मी फर्नीचर दुकान की ये तो सारे डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं। जब ऑडिट करते वक्त हमारे पास और 20 कुर्सी थे, यहाँ पर हमने 20 कुर्सी लिख दिया। और ये भी हमारे जो प्लास्टिक जो वस्तु होता है ये भी हम लोग कुर्सी को 10 साल तक इसका उपयोग कर सकता है। मतलब 10 साल तक उपयोग करेंगे तो हर एक साल इसका माइनस कितने करना है, 10% इसकी कीमत को माइनस करना है। 10% 20 कुर्सी का 10% कितने होगा, ₹1,000। एक कुर्सी के ₹50 और 20 कुर्सी की ₹1,000 पूरा अभी ₹9,000 यहाँ पर हमारे है फिलहाल प्रस्तुत संपत्ति में। अभी सीएलएफ कार्यालय ये कुर्सी किन के पास है, अपना सीएलएफ की कार्यालय में है, यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। फिर उसी के आधार से 31/3/2022 में फिर हमने एडिट करते वक्त इसकी फिर से दोबारा हमने घसारा निकाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 20 कुर्सी है, 20 कुर्सी में से हम इस
फिर 10% माइनस करेंगे, एक कुर्सी का कीमत 10 50 रुपए, 10 20 कुर्सी का कीमत 1000 रुपए माइनस किए तो अब बचा है कि 8000 रुपए। ये जो कुर्सी किन की पास है, हमारे सीएलएफ की कार्यालय में है, और यहाँ पर 31/3/2023 में अंजा ने यहाँ एक कुर्सी कहीं मीटिंग में किसी आदमी ने बैठने से खराब हो गई, मगर वो कुर्सी टूट गया। जब टूट जाएंगे तो उस कुर्सी को इसी साल में मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमने एक सपना करता है तो सपना पूरा कभी नहीं होता है, इसलिए उनकी एक लाइफ टाइम को हमने देखा था 10 साल तक, और वो लाइफ टाइम के पहले ही एक कुर्सी क्या हुआ कि टूट गया था, वो अनजाने टूट गया था, इसलिए उसकी कुर्सी का कीमत इसी साल आपको मैनेज करना है। जब इसी साल आपको मैनेज करना है तो जब कुर्सी की बात कर रहे थे हम लोग, जब कुर्सी ने एक कुर्सी टूट जाएंगे तो इसकी घसारा कैसे करना है, इसकी माइनस कैसे करना है कुर्सी को, सबसे पहले आपको इसी बैठक में आपको तय करना चाहिए कि जब हमारे एक कुर्सी किसी कारण की वजह से टूट गया, वो टूट जाने की कारण को इसी बैठक में बताकर वो दिखाकर वहां पे इसी बैठक से निर्णय लेना चाहिए कि ये कुर्सी टूट गया है, हम इस संपत्ति में माइनस करना है। इस विषय को अपनी बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिख कर उस निर्णय के आधार से अपने संपत्ति रजिस्टर में एक कुर्सी को माइनस करना है। अभी प्रस्तुत वस्तुओं की संख्या में कितने लिखना है, 19। यहाँ पे 19 लिखने के बाद अभी एक कुर्सी का कीमत कितने है, 2 साल में 50 50 रुपए माइनस किया है, तो अभी उस कुर्सी का कीमत कितना है, 900 रुपए है, सॉरी एक कुर्सी की कीमत पिछले साल में 50 रुपए का माइनस किया है, उसकी पहले साल में 50 रुपए माइनस किया था, मतलब उसकी मूल्य इस साल में 400 रुपए थे, वो 400 रुपए को पूरा हमको माइनस करना है, और पूरा उसको माइनस करने के बाद, और हमारे जो हर साल हम 50 रुपए माइनस कर रहे थे, और 19 कुर्सी का 50 रुपए के हिसाब से माइनस करेंगे तो वो 9,500 रुपए, और एक कुर्सी का 400 रुपए कितने हो गए, 1,350 रुपए हमको माइनस करना है। 8,000 में से 1,350 रुपए माइनस किए तो आपका रहेगा 6,650 रुपए रहेंगे। ये अभी 19 कुछ किन के पास है, हमारे सीएलएफ की कार्यालय में है, उसको भी हम कॉपी पेस्ट करना है। मतलब हम इस तरह से हर साल आपको 10% माइनस करते अपने प्रस्तुत मूल्य में लिखना चाहिए। कभी किसी कारण के वजह से कोई भी संपत्ति टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो आप अपनी संकुल संगठन की इसी बैठक में तय करना चाहिए कि उस वस्तु हमने जो इसकी लाइफ टाइम को देखा था, लाइफ टाइम की पहले ही हमारे संपत्ति टूट गया है, इस कारण के वजह से उस वस्तुओं की मूल्य को हमारे संपत्ति रजिस्टर में माइनस करना करके निर्णय लेकर, और वो अपनी संपत्ति रजिस्टर में से माइनस करना बहुत जरूरी है। और एक बात है कि कभी पदाधिकारियों की बदला होता है, तो पदाधिकारियों के जब पुराना पदाधिकारी या नया पदाधिकारी लोग आ रहा है, और उनको आपको ये करना चाहिए कि सारे पदाधिकारी पुराना पदाधिकारी ये संपत्ति रजिस्टर के आधार से नया पदाधिकारियों को संपत्ति सौंपना चाहिए। मतलब हमने 19 कुर्सी है हमारे बैठक संपत्ति रजिस्टर में, 19 कुर्सी को उनको मौज कर देना है। 2 अलमारी है, यहाँ पर 2 अलमारी है, एक व्हाइट बोर्ड है, एक व्हाइट बोर्ड है, 2 टेबल है, तो टेबल, इस तरह की संपत्ति रजिस्टर सामने रखते हुए पुराना पदाधिकारियों ने नया पदाधिकारियों को अपनी संपत्ति सौंपना बहुत जरूरी है। और वो भी पुराना हो जाएंगे, जो नया पदाधिकारी लोग आएंगे वो भी अपने संपत्ति रजिस्टर के आधार से अपने संपत्तियों की संख्या को और संपत्ति को दिखाकर, और वो नया पदाधिकारी लोगों को देना सौंपना बहुत जरूरी है। इस तरह की संपत्ति रजिस्टर लिख कर हर साल उसकी जो लॉस को माइनस करके, और ऑडिट रिपोर्ट में जो प्रस्तुत मूल्य को उस साल की ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना बहुत जरूरी है। संपत्ति रजिस्टर लिखने में और कोई भी समस्या है, हमारे सज्जी यूट्यूब चैनल की मैसेज बॉक्स में आपकी समस्या लिखकर सेंड कर दीजिए, जरूर हम लोग आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रमेश।